आप इस बिल पर बोल सकते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. यू हैव टू स्पीक ऑन द इंक्वायरी सिस्टम. यू आर नॉट स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट. रामनाथ ठाकुर की उपसभापति कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 में चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए, धन्यवाद. महोदय, यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 13 में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड में अन्य राज्यों की भांति प्रभावित हो और अब तक जो भी वहाँ न्यायालय द्वारा फैसले हुए हैं वह वैध हो. इन दोनों राज्यों में बिना केंद्र की अनुसूचना के ही न्यायालय काम कर रहा था, अब उसकी वैधता मिल जाएगी. महोदय, एक विषय मैं सरकार के समक्ष लाना चाहता हूँ, वह कानून विवाह और कौटुंबिक मामलों से संबंधित और उससे जुड़े मामलों की सुलह को बढ़ावा देने और जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने हेतु बना था, किंतु देश में करीब 720 कुटुंब न्यायालय में लगभग 11,43,985 मामले लंबित है. यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के अतिरिक्त है. अब जहां शीघ्र निपटारा की बात है, वहां साल दर साल मामले लंबित हो तो न्याय कैसे मिलेगा? इस पर सरकार जल्द विचार करे. दूसरी बात यह है कि करीब 10 लाख की आबादी पर हर जिले में एक न्यायालय की स्थापना इस कानून के तहत होना चाहिए, किंतु बिहार एवं अन्य प्रदेशों में एक जिले की आबादी 20 लाख या उससे अधिक है. मेरा अनुरोध है कि वहां सरकार जल्द से जल्द दो कुटुंब न्यायालय स्थापित करे, जजों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिसे किसी मामले का त्वरित निपटारा हो, साथ ही लंबित पड़े हुए मामलों का निपटारा हो. इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं. जय हिंद. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा.